आज हम फिर से जानेंगे एक और जंगल के बारे में, जिसे अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, जहां एक या दो नहीं तीन प्रकार के गोरिल्ला पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस जंगल में ऐसे भी जीव देखे गए हैं जो चिंपैंजी और इंसानों से मेल खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमने अब तक ये तो जाना ही नहीं इस जंगल का नाम क्या है, ये जंगल कहाँ है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर डॉट्स। अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल अफ्रीका के बीचों बीच लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित कांगो वर्षा वन है। ये जंगल 6 देशों तक फैला हुआ है। कांगो के इस जंगल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि इस जंगल की प्राकृतिक खूबसूरती की अनोखी खासियतों को बताता है। इस जंगल के आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां इंसान तो क्या सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से इस जंगल के कुछ हिस्से आज भी रहस्यमय और डरावने दिखते हैं। कांगो का ये जंगल दुनिया में कुछ जीवों के लिए ये इकलौता बसेरा है, तो चलिए जानते हैं इन जीवों के बारे में। बोनोबोस, ये चिंपैंजी और इंसानों के बीच का जीव माना जाता है। ये जीव इंसानों से ज्यादा मेल खाते हैं और इसी जंगल में तीन प्रकार के गोरिल्ला पाए जाते हैं। पहला माउंटेन गोरिल्ला, दूसरा लोलैंड गोरिल्ला और तीसरा ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। इनके अलावा इस जंगल में 1400 से ज़्यादा ऐसे पौधे हैं जो कैंसर के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब हम जानेंगे इस जंगल में रहने वाले प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिन्हें बोना जनजाति भी कहा जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कांगो वर्षा वन में लगभग 1000 जनजातियाँ निवास करती हैं, जो आज भी अपना जीवन आदि मानव जैसे बिताते हैं। इन्हीं में से एक जनजाति है पिग्मी जनजाति, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इनमें पुरुषों की औसत लंबाई 4 फुट होती है, तो वहीं महिलाओं की लंबाई 4 फुट से भी कम होती है, इसलिए इन्हें बोना जनजाति भी कहते हैं। इसी जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की ये नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के चारों ओर फैला ये जंगल हजारों जीवों का बसेरा है, जो आज इन पेड़ों की कटाई की वजह से बेघर हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए चिंता और संकट का विषय है।